हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अ होलो कास्ट आयरन कॉलम हैज इंटरनल डायमीटर 200 mm। तो यहाँ पे जो आपको एक हॉलो सेक्शन दे रखा है उसका इंटरनल डायमीटर आपको दे रखा है 200 mm। वॉट शुड बी द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम, यानी कि उसने पूछा है कि एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा उसका। सो इट कैन कैरी अ लोड 1.6 MN विदाउट द स्ट्रेस एक्सीडिंग 90 MPa। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले गिवन डेटा क्या दे रखा है उसने। सबसे पहले उसने मेरे को स्मॉल दे रखा है डी, तो 200 mm हो गया। उसके बाद कैपिटल डी उसने पूछा है, तो यहाँ से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी मेरी पाई बाई 4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस के स्मॉल डी का स्क्वायर। इसके बाद उसने मुझे लोड की वैल्यू दे रखी, तो 1.6 × 10^6 N हो जाएगा। उसके बाद उसने सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 90 MPa, जो कि हो जाएगा आपका 90 N/mm². तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल पी ओवर ए के, मैं वैल्यू लगा देता हूँ तो डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी निकल के। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर माइनस के 200 का स्क्वायर इज इक्वल 1.6 × 10^6 ओवर 90। मैं सिग्मा को नीचे लेके आ गया। कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है। देखिए ध्यान से इस पूरी चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1.6 × 10^6 मैंने लिख लिया, डिवाइडेड बाई मैंने 90 कर दिया, मल्टीप्लाई मैंने 4 कर दिया, डिवाइडेड बाई मैंने पाई कर दिया। तो यहाँ जो वैल्यू दिखा रहा है डी स्क्वायर माइनस के 200 का स्क्वायर भी दिखा रहा है 22635.36। इसमें प्लस हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर, तो ये मेरी कुछ वैल्यू आएगी कैपिटल डी स्क्वायर की 6263.536। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 250.27। तो ये आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे 250 mm इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।